तो बेटे आज हम लोग क्या करेंगे? देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे एक दूसरी तरह की सॉल्यूशन, व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ठीक है, तो अब हम गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन की बात करेंगे। गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, हमने गैस को डिसॉल्व किया है लिक्विड के अंदर, तो गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। हम बेटा सॉल्युबिलिटी की बात अगर गैस इन लिक्विड टाइम में करते हैं, तो इसमें सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कॉफिशियंट। जैसे पिछली बार हमने सॉल्युबिलिटी जब डिफाइन की थी बेटा, जब हमने सॉलिड को डिजोल्व किया था लिक्विड में, तो सॉल्युबिलिटी को बाय वेट हमने एक्सप्लेन किया था। और गैस की अगर हम बात करें तो बेटा हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एक नई चीज जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कॉफिशियंट। सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। नाउ सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो बच्चा, सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट क्या होता है। ये होता है बेटा हमारे पास, सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट इज वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व, वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, एट अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है जी, एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस पे बेटा कितनी वॉल्यूम 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जस्ट 1 सेकेंड। तो बेटा हम बात कर रहे थे गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, तो हमने बोला कि इसको सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट के टर्म में बताते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्वड इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, सो टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में कितनी वॉल्यूम 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती है, उसको सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट बोला जाता है। पर बेटे इस हिसाब से गिवन सेट ऑफ कंडीशंस तो अलग अलग होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। अगर गिवन सेट ऑफ कंडीशन चेंज होती रही तो सॉल्युबिलिटी चेंज होती रहेगी, या फिर तो ऐसे में रह जाएंगे। इसलिए हमने इसको एक नई चीज में चेंज किया जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट, एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट। अब एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट क्या होता है? ठीक है बेटा, देखो एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट की जहां तक हम बात करें, हम ये कह सकते हैं इट इज वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिड्यूस्ड टू एस टी पी। ठीक है बच्चे, मतलब समझो इस बात का कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा सॉल्युबिलिटी कॉफिशियंट, उसमें हमने बोला कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व हो रही है 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट एनी सेट ऑफ कंडीशंस। यहां हमने वो वॉल्यूम निकाल लिया एट एनी सेट ऑफ कंडीशन, उसको एस टी पी पे कन्वर्ट कर दिया। तो देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट इज सॉल्युबिलिटी कॉफिशियंट। ठीक, रिड्यूस टू एसटीपी कंडीशन। क्योंकि आप ध्यान दो, पहली जो लाइंस है हमारे पास वो तो सेम है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं इन लाइंस की, बेटा ये लाइंस तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी कॉफिशियंट ही थी, दीज लाइंस वॉज सॉल्युबिलिटी कॉफिशियंट। ठीक है जी,
That is volume of gas dissolved in 1 milliliter of solution to form a saturated solution. Saturated solution. So that is solubility coefficient. बस उसको क्या किया, रिड्यूस टू एसटीपी कर दिया, यानी उसको एसटीपी कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मान लो अगर मैं सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट को वीएस लिख देता हूं, एक ये वॉल्यूम आ गई एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे, जो डिसॉल्व हुई एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे, और उसका जो प्रेशर आ गया वो पी आ गया, उसका जो टेम्परेचर आ गया वो टी आ गया, इसको हमने 1 1 1 लिख दिया, यानी ये हो गया। और एसटीपी कंडीशन यहां ले ली, SDP condition पे volume को हमने V2 ले लिया, ठीक, और उस V2 को हमने बोला absorption coefficient, pressure P2, ठीक है, pressure हो गया P2 और temperature यहाँ पे हो गया T2। तो जैसा कि हमें मालूम था कि according to P1V1 upon T1 is equal to P2V2 upon T2, तो हमें ये पता चल गया V1 जो है वो सॉल्युबिलिटी कॉफिशियंट है और V2 जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट है। तो ऐसे हमने पहले सॉल्युबिलिटी कॉफिशियंट एंड गिवन सेट ऑफ कंडीशन निकाल दिया और उसको एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट में चेंज कर दिया। तो एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट वही सॉल्युबिलिटी कॉफिशियंट को एसटीपी पे कन्वर्ट कर दिया जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट। अब उसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि अगर कंडीशन लग हुई तब क्या होगा, obviously absorption coefficient तो STP पे reduce करने से ही आएगा, तो इससे हमारी problems दूर हो जाती हैं। तो basically gas में solubility define करने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं, या तो solubility coefficient और या दूसरी बात हमारे पास define करने का है कि अगर हम define करें एक तो solubility coefficient, दूसरा absorption coefficient। Solubility coefficient is volume of gas dissolved in 1 milliliter of solution to form a saturated solution at a given set of conditions. और absorption coefficient क्या होता है, इसी solubility coefficient को बेटे STP में convert कर दो, ठीक, that is volume of gas dissolved in 1 milliliter of solution to form a saturated solution which is reduced to STP, it is called as to be absorption coefficient। तो ऐसे बेटे absorption coefficient and solubility coefficient दोनों चीजें हमारे पास निकल जाती हैं। अब देखो बेटा ये तो निकल गई, अब ये जो factors है, factors on which this solubility of gas depends, बेटा कौन कौन से फैक्टर है जिस पे solubility of gas जो होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है जी। फैक्टर्स ऑन विच solubility of gas in liquids depends, कौन कौन से फैक्टर है जिसमें solubility of gas in a liquid depends। देखो बेटा पहला फैक्टर हमारे पास यहां पे आएगा obviously nature of gas, ये पहला फैक्टर होगा। ऐसे बेटा दूसरा फैक्टर हमारे पास होगा temperature, ठीक है जी, जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। बेटा तीसरा फैक्टर हमारे पास जो होगा, ठीक है जी, वो क्या होगा, वो होगा प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर। और चौथा फैक्टर होगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन चार फैक्टर्स पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, हम ग्रेजुअली एक एक चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस जिसको हमने डिसॉल्व करवाना है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो बेटा यहां पे खास बात समझ लीजिएगा, द गैस विच कैन बी इजिली लिक्विफाइड कैन इजिली डिसॉल्व, ठीक। तो यानी गैस विच कैन बी इजिली लिक्विफाइड can more easily be dissolved, वो गैस जो जितनी आसानी से liquefy होगी, गैस which can be easily liquefied can more easily be dissolved, ठीक है जी। जो गैस बेटा easily liquefy होगी, ठीक है जी, वो उतनी आसानी से dissolve होगी। Gas which can be easily liquefied can be easily dissolved,
ठीक है, ये नेचर ऑफ गैस की हमने बात की है। अब देखो बेटा, इसमें अगर हम बात करें कि इजीली लिक्विफाई, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई होती है? वैसे तो ये आपका गैसियस स्टेट का मामला है, बट मुझे पता है मामला गड़बड़ है, तो इसलिए हम पहले से ही इसको क्लियर करके चलते हैं। देखो बेटा, जब आपको देखना होता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जो होती है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन या लिक्विफैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, उतनी गैस डिसॉल्व करना इजी होता है। ठीक है, मोर आर द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मोर इज द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे देखी जाती है? देखो बेटा, एक तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी गैस बना सकती है। सबसे पहले ये देखना कि कौन सी गैस हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, सबसे आसानी से सॉल्व होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर नहीं बनते हो, तो दूसरा फैक्टर हमने क्या देखना है कि कौन सी गैस पोलर है, किसकी पोलैरिटी ज्यादा है। ठीक, क्योंकि पोलैरिटी होगी उसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगी, वो आसानी से लिक्विफाई होगी, और जो आसानी से लिक्विफाई होगी आसानी से डिसॉल्व हो जाए। अगर पोलैरिटी नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास देखा जाता है। क्यों देखा जाता है मॉलिक्यूलर मास? क्योंकि बेटा जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो उतनी आसानी से पोलराइज किया जा सकता है। जितनी आसानी से पोलराइज किया जा सकता है, उतनी आसानी से डायपोल उसमें बनते हैं, और उतना उसमें वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। मोर इज द बिगर इज द मॉलिक्यूल, मोर इज द वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मोर इजली गैस कैन बी लिक्विफाइड। तो फिर मॉलिक्यूलर मास देखा जाता है। और अगर मॉलिक्यूलर मास बराबर हो जाए, तो फिर हम लास्ट में क्या देखते हैं? सरफेस एरिया। लास्ट में देखते हैं सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उसमें इंट्रैक्शन की साइट्स ज्यादा होती हैं। जहां इंट्रैक्शन साइट्स ज्यादा होती, गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकती है। सर अब इसका एग्जांपल बताओ। जैसे कंपटीशन में हमें क्वेश्चन आ गया, हमसे बोला अरेंज करो, हमारे पास कुछ गैसेस हैं जिसको आपने सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अमोनिया, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। यहां पे पहले लिख देते हैं आर्गन और फिर हीलियम। अब बेटे मुझे इसको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन, हेंस इन द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक, देखो बेटा, हमें ये तो पता चलता है कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ऑब्वियसली ये डिसॉल्व ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी यहां अमोनिया की होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हमें ये मालूम है HCl पोलर है। ठीक, तो पोलर जो होगा उसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगी, ज्यादा आसानी से लिक्विफाई होगा। अब ये सारे नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है तो इसका मॉलिकुलर मास देख लेंगे। ये ऑल आर नॉन पोलर, ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। अगर ये नॉन पोलर हैं, तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44, ठीक है, आर्गन का 40 ऑलमोस्ट, ठीक है जी, और हीलियम का बेटा 4। तो ऑब्वियस ही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन आर्गन देन दैट ऑफ हीलियम। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वो ज्यादा आसानी से गैस डिसॉल्व होगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर हम क्या देखते हैं? पोलैरिटी देख लेते हैं बेटा। ठीक, अगर मान लो पोलैरिटी नहीं है तो फिर हम क्या देख लेते हैं बेटा? फिर हम मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। अब मान लो सर, ये तो अलग अलग नेचर था। अगर मान लो सारे पोलर हो, जैसे मान लो अगर मेरे पास गैसेस है HF, HCl, मान लो HBr होता लिक्विड, चलो हम गैस मान ले, और HR, इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बोलते हैं अगर ये गैसेस हो, इफ ऑल आर गैसेस। तो सिंपल बात ये है कि ऐसे केस में ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये सारी पोलर होंगी, तो पोलैरिटी वाला काम हो गया खत्म। तो HF तो सबसे नंबर वन पे आएगा ही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक,
अब इनमें अगर सबका नेचर सेम हो तो फिर मॉलिकुलर मास देखते हैं। अब मॉलिकुलर मास ज्यादा किसका आएगा? एच आई का, तो एच आई मोस्ट इजिली लिक्विफिएबल होगी, फिर एच बी आर और सबसे मुश्किल से एच सी एल। आप ये मत सोचना जिसकी पोलैरिटी ज्यादा, ऐसा मैं कहीं नहीं बोलूं। अगर नेचर सेम है तो सीधे मॉलिकुलर मास पे आ जाएंगे, अगर नेचर सेम है तो सीधे मॉलिकुलर मास पे आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से मान लो आपको दिया हीलियम, एक नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब ये सारे के सारे कैसे हैं? नॉन पोलर, ऑल आर नॉन पोलर, सारे के सारे ये नॉन पोलर हैं। और अगर ये सारे नॉन पोलर हैं तो बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कट गया, पोलैरिटी कट गया, तो बारी किसकी आई? मॉलिकुलर मास की। सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है यहां पर? जीनोन का। तो जीनोन की ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा है, हेंस सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। बेटा ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है नोबल गैसेस का, चाहे इसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बोले चाहे इसकी सॉल्युबिलिटी बोले, ये सारे मैं सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर लगा रहा हूं। ठीक है जी, मैंने एक ऑर्डर ये लगा के बताया आपको सॉल्युबिलिटी का, बेटा एक ऑर्डर ये लगा के बताया सॉल्युबिलिटी का बच्चे, और एक ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का ये लगा के बताया। अब इसके आगे देखते हैं, मान लो हमें क्वेश्चन दिया था, एक था एन पेंटेन। बेटा ये एन पेंटेन नॉर्मल पेंटेन हुआ करता है, स्ट्रेट चेन, यानी हिंदी में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं CH3, CH2, 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 CH3, ये नॉर्मल पेंटेन। ठीक, यहीं पर बेटे अगर मान लो हमने इसको ऐसे लिख दिया, यानी सेकंड कार्बन पे ब्रांच निकलाया, तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3C और यहां CH3, यहां H, यहां CH2CH3। ठीक है जी, और रही बात अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है जी, ये हो गया नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन का मतलब है CH3C CH3, यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3। अब इन सब का मॉलिक्यूलर मास सेम है, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है नहीं, पोलैरिटी इसमें है नहीं, मॉलिक्यूलर मास सेम है, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 ही होता है। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम यानी मोलर मास सेम। अगर मोलर मास सेम है तो क्या आता है? सरफेस एरिया। तो आप देखो इसका सरफेस एरिया ये है, ठीक, इसका सरफेस एरिया ये है, इसका सरफेस एरिया ऐसे हो गया। बेटा ब्रांचिंग के साथ क्या होता है? मॉलिक्यूल स्टार्ट्स एक्वायरिंग अ स्फेरिकल शेप। ब्रांचिंग के साथ क्या होता है? मॉलिक्यूल स्टार्ट्स एक्वायरिंग अ स्फेरिकल शेप, और फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होता है कि यहां इंटरेक्शन साइट्स ज्यादा होंगी, सरफेस एरिया ज्यादा होने से इंटरेक्शन साइट्स हमारे पास जगह जगह से इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी है, इंटरेक्शन साइट्स कम, जैसे सरफेस एरिया कम हो गया इंटरेक्शन साइट्स कम हो गई भाई। ठीक, तो यहां पे एन पेंटेन को लिक्विफाई करना इजी है देन दैट ऑफ आइसोपेंटेन देन दैट ऑफ नियोपेंटेन। तो बेटा इस तरह से नेचर ऑफ गैस में आप सबसे पहले क्या देखोगे कि कौन सी गैस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, वो सबसे ज्यादा डिजोल्व होगी, वो उतनी आसानी से सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक, क्योंकि उसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा होगी, आसानी से लिक्विफाई होगी, आसानी से डिजोल्व हो जाएगी। अगर बेटा हमारे पास मान लो गैसेस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती है, नेचर सेम है, पहले पोलैरिटी देख लेना, अगर पोलैरिटी सभी में है तो मॉलिक्यूलर मास देख लेना, या सभी नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूलर मास देख लेना। अगर मॉलिक्यूलर मास बराबर हुआ तो हम क्या देखेंगे बेटा? तो हम क्या देखेंगे? सरफेस एरिया देखेंगे, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी कम होगी कि ज्यादा होगी। तो फटाफट बोलो बेटा, नेचर ऑफ गैस समझ में आया भूमिका? यस सर। अथर्व आपको समझ में आ गया? अथर्व, चरण बेटे, हितेश? यस सर। ओके, सो ये था नेचर ऑफ गैस। तो पहले हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ गैस जो है उस पे सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड किया करती है,
नेचर ऑफ गैस पे सॉलिबिलिटी को हम कैसे डिपेंड करवाते हैं। अगली बात देखिएगा, अगली बात हमारे पास आएगी जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। दूसरा नेचर के बाद दूसरा फैक्टर क्या था हमारे पास बेटा? दूसरा फैक्टर हमारे पास होता है टेम्परेचर ऑफ गैस। दूसरी बात होगी टेम्परेचर ऑफ गैस। देखो बेटा, हमारे पास गैस प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां पे लिक्विड है, सॉल्वेंट गिविंग अस सॉल्यूशन है, तो इसके लिए एक गैस को लिक्विफाई करना होगा। तो एक बात ये जरूर है, पहले गैस ज्यादा रैंडम होती है, लिक्विफाई होके गैस लेस रैंडम हो जाती है। तो एक बात तो क्लियर है कि डेल्टा एफ इसका हमेशा नेगेटिव होगा। ऑलवेज जब भी गैस डिसॉल्व होगी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, क्योंकि गैसेस आर मोर डिसऑर्डर्ड एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स। ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच भी अगर देखोगे तो वो भी नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा बेटा? गैस को जब आप डिसॉल्व कराओगे, लिक्विफाई कराओगे, उसके अंदर की फोर्सेस बनेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, अपनी एनर्जी को कम करनी होगी, तभी तो लिक्विफाई होगी और फिर फोर्सेस बनाएगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव। अब ये हम अच्छे से जानते हैं कि डेल्टा जी वो होता है डेल्टा एच माइनस की डेल्टा एस। ठीक है बच्चे, अब हमें पता चल गया पहले वाली वैल्यू तो नेगेटिव है ही इस केस में, इस केस में ये वैल्यू तो नेगेटिव है ही, बीच में नेगेटिव है, और बेटे यहां पे भी नेगेटिव है क्योंकि डेल्टा एच भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। अगली वैल्यू नेगेटिव, पिछले वाली वैल्यू पॉजिटिव। नाउ दो केस हो गए, फिर इसका मतलब इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, ठीक, तो डेल्टा जी इज नेगेटिव, यानी रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यानी गैस विल डिसॉल्व, यानी गैस विल डिसॉल्व। और वहीं पर इफ डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, ठीक, तो टी डेल्टा एस बड़ा हो गया तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ा हो गई, तो डेल्टा जी जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसे केस में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा बेटा। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वहां रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमें यह समझ में आया टी डेल्टा एस बड़ा हुआ तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी नहीं होगी, और टी डेल्टा एस कैसे बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि गैस की सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे टी डेल्टा एस बढ़ जाएगा, टी डेल्टा एस बढ़ेगा तो हमारे पास गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बेटा ऐसा करो, घर पे दो पेप्सी लेके आ जाना, ठीक है जी, और क्या करना, एक पेप्सी। सो माइक ऑफ हो गया। So anyhow, solubility of gas is inversely proportional to temperature. तो मैं बता रहा था दो लेके आना, एक पेप्सी को रख देना फ्रिज में और एक पेप्सी रखना बाहर, हल्का सा ढक्कन खोल के रखना, ठीक। तो क्या होगा कि जो पेप्सी आपने बाहर रखी होगी ना, अब दो घंटे बाद उसको पीना, दोनों को सेम अमाउंट में ग्लास में लेना पीना, तो बेटा जो फ्रिज वाली होगी वो तो मजेदार होगी, फिजी होगी बहुत, लेकिन जो बाहर होगी वो फिजी नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है कि जनरली हम बोलते हैं कि भैया ये कोल्ड ड्रिंक सामने रखते हैं अपने गेस्ट के, बोलते हैं पी लो ठंडी हो जाएगी, ये गर्म हो जाएगी नहीं तो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, इसे पी लो ये तो गर्म हो जाएगी। क्यों भाई, गर्म होने से क्या होगा? गर्म होने से उसकी फिजीनेस कम हो जाएगी। ऐसे ड्रिंक्स जो फिजी होने की वजह से मजेदार लगते हैं, अगर बेटा हमने उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी फिजीनेस कम हो जाएगी। अगर फिजीनेस कम होगी तो यार पीने का मजा नहीं आएगा,
वहीं पर अगर चाय की बात करो, चाय में बोलते ना कि सर जल्दी पी लो ठंडी हो जाएगी, वो उल्टा हो गया। क्यों? वहां फिजीनेस नहीं, वहां फिजीनेस की बात ही नहीं है, वहां तो सिर्फ ये है कि हमारे टंग पे ज्यादा स्प्रेड कर जाए, तो जो गर्म चीज होगी वो ज्यादा स्प्रेड करेगी टंग पे। क्यों? क्योंकि इसका सर्फेस टेंशन कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सर्फेस टेंशन कम होगा, वो ज्यादा आसानी से स्प्रेड करेगी टंग पर। यू विल टेक मजा ऑफ ईच एंड एवरी सिप। इसीलिए सूप जैसी चीजें जिसमें फिजीनेस नहीं है, सूप हो गया या फिर आपका टी हो गया या ऐसी दूध हो गया, इनको गर्म पीना चाहिए। क्यों? ये गर्म होकर ज्यादा टेस्टी होगा। पर जो फिजी ड्रिंक्स हैं उनको ठंडा पीना चाहिए, उसको ठंडा पीने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसको ठंडा करके पियेंगे तो उसमें ज्यादा फिजीनेस होंगी बेटा। समझ में आई? तो सर जैसे हम घर पे माजा पीते हैं सर, अब माजा में तो फिजीनेस भी नहीं होती फिर भी ठंडा पीते, बेटा वो मैटर ऑफ चॉइस हो गया। वो क्या हो गया? मैटर ऑफ चॉइस हो गया हमारे पास। क्लियर हो गया? अदरवाइज जो भी चीजें फिजी हैं वो ठंडी पीनी चाहिए, और जो चीजें नॉन फिजी हैं वो गर्म ज्यादा पियेंगे तो उसका टेस्ट ज्यादा आएगा। अब कोल्ड ड्रिंक्स आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पस एज ये कोल्ड रहे, इसलिए जो जिन चीजों में फिजीनेस नहीं भी होती कई बार उनको भी ठंडा पिया जाता है, माजा एटसेट्रा, जूसेस एटसेट्रा, उसमें फिजीनेस नहीं होती। येट जो भी फिजी ड्रिंक्स हैं यानी जिसमें भी गैस डिसॉल्व है वो लो टेम्परेचर पे ही करके पीने का मजा आएगा, क्योंकि वहां गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, फिजी टेस्ट ज्यादा आएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट बात हमारे पास आएगी अगला फैक्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो नेक्स्ट फैक्टर पढ़ा रहा हूं बेटा, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाएगा, ठीक? दैट इज प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर। देखो बेटा एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो बेटा गैस लिक्विफाई होगी, गैस लिक्विफाई होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये तो पक्का है कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, ये तो चलो पक्का है। बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा हमारे पास आ जाता है हेनरीज लॉ। तो हमारी जो कहानी है अब वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ। देखो बेटा हेनरी लॉ को लिखने के कई तरीके हमारे पास होते हैं, हजारों तरह से हेनरी लॉ लिखा जाता है। प्लस वन में एक चैप्टर होता था जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते थे, वहां पे हेनरी लॉ लिखवाया जाता था। तो वहां हमें बोला गया था कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ mass of gas dissolved is directly proportional to pressure of gas above the solution, yani mass of gas dissolved is directly proportional to the pressure above the solution. Jaise ye bottle hai, this is a bottle of cold drink, and if fizzy drink is there, ठीक है ये लो। अब हमने इसमें पहले पानी डाला, ठीक है जी। पानी डालने के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर एक गैस डाली एट अ वेरी वेरी हाई प्रेशर, ठीक। गैस डाली, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, और कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर डाली, तो जितना प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा उतनी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, और ये हमने इसको ढक्कन बंद कर दिया, अब ये फिजी गैस बन जाएगी। तो जितना प्रेशर ज्यादा था उतना मास ऑफ गैस डिसॉल्व ज्यादा हो गया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन जो हमारे को प्लस वन में पूछा गया था, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर वन है व्हाई सोडा वॉटर बॉटल Fizzes out when it is opened. ठीक है जी, जब हम सोडा वाटर बॉटल को खोलते हैं तो फिज क्यों होती है? Why soda water bottle fizzes out when it is opened? सोडा वाटर बॉटल जो है वो फिज क्यों होती है जब हम इसको खोलते हैं?
क्योंकि बेटा हम क्या करते हैं, सोडा वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल डिसॉल्व, तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होगी। नाउ व्हेन बॉटल इज ओपनड द प्रेशर बिकम्स लेस, जैसे इसका ढक्कन खोला तो प्रेशर बिकम्स लेस, तो ऊपर प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व शुड आल्सो बी लेस, तो जो एक्स्ट्रा मास डिसॉल्व होगा दैट विल कम आउट एज फिज। अगर ढक्कन खोलेंगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो एक्स्ट्रा मास ऑफ गैस विल कम आउट एज फिज। सो दैट इज व्हाई सोडा वाटर बॉटल फिजेस आउट व्हेन इट इज ओपन। ठीक, तो ये पहली तरह का हमने लॉ पढ़ा कि मास ऑफ गैस इज डिसॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन। जितना गैस का प्रेशर ज्यादा रखोगे सॉल्यूशन के ऊपर उतना मास ऑफ गैस डिसॉल्व ज्यादा होगा, ये पहली बात। बेटा जितना मास डिसॉल्व होगा ऑब्वियसली उसका मोल फ्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन। जितना प्रेशर गैस का ज्यादा होगा अबव द सॉल्यूशन उतना मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा ऑब्वियसली गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा जितना मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा होगा इन द सॉल्यूशन। देखो बेटा यहां प्रेशर अबव द सॉल्यूशन की बात हो रही थी और यहां मैं बोल रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। जितने मोल डिसॉल्व ज्यादा हो जाएंगे, जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना हमारे पास मास ऑफ गैस डिसॉल्व, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा उतना पार्शियल प्रेशर ज्यादा। ये हेनरी लॉ की तीन मैंने फॉर्म्स लिखी हैं। ठीक, पहली फॉर्म मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन। दूसरी फॉर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन। एंड तीसरी फॉर्म पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। बेटा ये दोनों पार्ट्स हम प्लस वन में पढ़े हैं और प्लस टू की बुक में हमारे को हेनरी लॉ ऐसे लिख के दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लस टू में आके हेनरी लॉ चेंज हो गया है, बस स्टेटमेंट को थोड़ा बढ़िया करके लिख के दे दिया गया है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? नाउ जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम क्या लगाते हैं, हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो मास ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट KH इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is equal to KH into mole fraction of the gas. तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, अब बेटे बेसिकली क्या है, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले, फिर इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखो बेटा हमें दे दिया कि हमारे पास देर आर फोर गैसेस, गैस ए, गैस बी, गैस सी, गैस डी, इनके KH दिए हैं। इसका KH दिया 16.2, इसका दिया बेटे आपका 12.4, इसका दिया 3.2, इसका दिया 6.3। ठीक है जी, ये KH दे रखे हैं और ये गैसेस हैं, दीज आर गैसेस, ये चार गैसेस है KH दे रखे हैं। और क्वेश्चन बोला अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। देखो बच्चे, अगर आप किसी को भी ये क्वेश्चन देंगे, अपने किसी भी फ्रेंड को ये क्वेश्चन देंगे, तो आपको वो एक रटा रटाया जवाब देगा। वो बोलेगा यहां पर सी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है देन दैट ऑफ डी विच इज मोर देन बी विच इज मोर देन ए, क्योंकि वो कहेगा कि बिकॉज KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी।
KH is inversely proportional to solubility, ठीक है जी, ऐसे बोल देगा। तो ऑर्डर जिसका KH छोटा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ऐसा करके बोल देगा। अब उसको थोड़ी सी अकल देना है, उसको कहना भाई ऐसा है कि अगर मैं इधर बात करूं और प्रेशर को कांस्टेंट रखूं तो बेटा मास ऑफ गैस विल बी इक्वल टू, विल बी प्रोपोर्शनल टू KH। यानी यहां तो KH ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो तेरा तो लॉ ही गलत हो गया। ठीक, फिर इसको भी कह देना, कहना यहां पे भी पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रखा तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH, KH ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ठीक, और अगर इधर बोलो इसको कांस्टेंट रखा तो बेटा नाउ KH विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो क्योंकि उसके टीचर ने सिर्फ एक ही चीज बताई है इसलिए उसने एक ही चीज की है, इससे हेनरी लॉ का क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा। बेटा ये हम ऑर्डर लगा ही नहीं सकते थे, ये ऑर्डर लगा ही नहीं सकते थे अंटिल यू आर नॉट गिवन विद द यूनिट ऑफ KH। याद रखना है हेनरी लॉ का क्वेश्चन जब तक शुरू नहीं होगा जब तक आप KH का यूनिट नहीं देख लें। अगर KH का यूनिट नहीं देख सकते हो तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो कभी भी, नहीं आप गलत ही कर रहे हो इसका। ठीक, यहां पे KH का यूनिट अगर देखें तो यहां KH आ जाएगा हमारे पास mg अपॉन pg, यानी mg इज नॉट वेट हियर इट इज मास, ठीक है जी, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर। तो इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर एटमॉस्फेयर या ग्राम पर बार या ग्राम पर टॉर, है ना, प्रेशर का कोई भी यूनिट। यहां पे देखोगे यहां KH विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अपॉन pg। बेटा मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट है नहीं, एटमॉस्फेयर का इनवर्स आ जाएगा यहां KH का यूनिट, KH का यूनिट एटमॉस्फेयर का इनवर्स आ जाएगा। अगर KH का यूनिट एटमॉस्फेयर का इनवर्स, बार का इनवर्स, टॉर का इनवर्स, कुछ भी प्रेशर के यूनिट का इनवर्स आ सकता है। और यहां पे देखिए तो KH जो आएगा वो आएगा pg अपॉन xg, ठीक, यानी यूनिट आ जाएगा एटमॉस्फेयर। तो बेटे अगर हमारे पास इफ यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ प्रेशर, अगर KH का यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर है, यानी एटमॉस्फेयर है, प्रेशर में बार है, टॉर है, कोई भी ऐसा है, तब तो ये वाला सही है, तब तो ये वाला ऑर्डर रहेगा। पर बेटे अगर हमारे पास यूनिट यूनिट ऑफ KH KH इज इनवर्स इनवर्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर का उल्टा हुआ, तो बेटे ये नहीं रहेगा। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, KH विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ऐसे केस में KH विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, आंसर आ जाएगा A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन C। तो बेटे गलती से भी गलती नहीं करने का, बिना यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, बिना यूनिट देखे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। 90% चांस है कि आपको इस पे क्वेश्चन आए, बट बेटा 10% चांस इस पे भी है, ठीक है जी। खास करके कर्नाटका पीएटी में क्या हुआ, हुआ ही ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन गया क्योंकि टीचर तो यही समझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि प्लस टू में इसको ऐसे दिया हुआ है, जबकि हमारे पास प्लस वन में ऐसे पढ़ा दिया जाता ऑलरेडी हेनरी लॉ, क्लियर हो गया। तो हेनरी लॉ का क्वेश्चन बिना उसके यूनिट्स को देखे, KH के यूनिट को देखे बगैर कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। जब तक यूनिट नहीं होगा तब तक हम हेनरी लॉ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। बोलो बेटा क्लियर और नॉट, समझ में आया? Yes, sir. बोल दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब हम इसके करते हैं इसके ऊपर। देखो बेटा ये तो हमने पढ़ लिया कि यूनिट्स को देख करना, लेकिन जैसे मैंने बोला प्लस टू में यही दिया है, हम इसी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और इसके क्वेश्चंस को भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक। लेकिन यूनिट के बिना कभी भी हेनरी लॉ का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करना,
कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, यूनिट देख लेना पहले, उस हिसाब से लॉ को अप्लाई करना, ठीक है जी। देखो अभी प्लस टू में जो मैं बता रहा था वो ये था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब हम पहले करते हैं इसकी ग्राफिकल स्टडी, ठीक, ग्राफिकल स्टडी ऑफ हेनरीज लॉ, ग्राफिकल स्टडी ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है जी, देखो ग्राफिकल स्टडी के लिए हमारे पास, हमने बनाया एक यू ग्राफ, ठीक है जी। बेटे हम ऐसा कर लेते हैं, यहां पे मान लो कोई भी बेसिक गैस ले लेते हैं, यहां पे पार्शियल प्रेशर है और यहां मोल फ्रैक्शन है, ठीक। अब बेटे हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद होगी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना बेटा। तो हमें यह समझ में आया कि y एक्सिस पे आपने pg ले लिया, x एक्सिस पे आपने मोल फ्रैक्शन ले लिया, एक तो स्लोप हो गई पॉजिटिव, और क्योंकि c नहीं है तो इट पास थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ u बनेगा, ये ग्राफ u बनेगा बेटा, ठीक। और इसकी जो स्लोप है, स्लोप वो पॉजिटिव है, किसके बराबर है, के एच के बराबर है, इट स्लोप इज इक्वल टू के एच। तो बेटे हमने यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और उसका थीटा निकाल लिया, हमें जानते हैं स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करके हम यहां से के एच निकाल सकते हैं। तो ये हेनरी लॉ का एक ग्राफ हमारे पास सामने समझ में आ रहा है कि ऐसा ग्राफ हमारे पास हेनरी लॉ का बनता है। पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया हमारे को, हमें बोला कि ठीक ये पीजी है, ये एक्सजी है, और हमारे पास तीन ग्राफ हैं, एक दो तीन, ये गैस ए है, ये गैस बी है, गैस सी है। अब इस पे तीन चार तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन है कि अरेंज द गैसेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ KH। एक तो ये क्वेश्चन हो गया KH के ऑर्डर में लगाना है, दूसरा क्वेश्चन हो गया इन ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन नंबर थ्री हमें बोला दीज गैसेस मे बी, गैसेस मे बी अमोनिया, HCl एंड हीलियम, सो आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई एबीसी कौन सी गैस है, ए कौन सी है, बी कौन सा, सी कौन सा है। ये तीन तरह के क्वेश्चन हमारे पास इसमें आ गए, ठीक। एक हमें बोल दिया KH के ऑर्डर में लगाना है, दूसरा हमें बोल दिया कि सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में लगाना है, और तीसरा क्वेश्चन हमें बोल दिया भैया आप ऐसा करो कि इसको अरेंज करके दिखा दो, ठीक, कौन कौन सी गैस कौन कौन सी है उसको एक्सप्लेन करके दिखा दो, ठीक है, कि हमारे पास अमोनिया कौन सा है, हमारे पास एक्सेल कौन सा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो बेटे सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमने कोई एक चीज कांस्टेंट ले लेनी है, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट ले लेनी, ये प्रेशर कांस्टेंट ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, इस प्रेशर पे ए का मोल फ्रैक्शन ये होगा ए, इस प्रेशर पे बी का मोल फ्रैक्शन होगा ये, और इस प्रेशर पे सी का मोल फ्रैक्शन होगा ये। ऑब्वियसली हमें ये समझ में आता है कि अगर प्रेशर सेम हो
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विच इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर प्रेशर सेम है तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए। ये पहला क्वेश्चन आ गया सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हमने कैसे निकाला। अब सॉल्युबिलिटी इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहां ये नीचे आ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच, ठीक है जी। तो अब ऑब्वियसली केएच से उल्टा रहेगा और वैसे भी देख रहे हो स्लोप ज्यादा किसकी आ रही है, ए की, फिर बी की, फिर सी की, एंगल बड़ा किसका आएगा, ए का, फिर बी का, फिर सी का, इस हिसाब से केएच का ऑर्डर ये रहेगा, ठीक, और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा। अब तीसरी बात, अमोनिया एचसीएल या हीलियम इसमें कौन, देखो बेटा इसमें अगर हम सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर निकालते, इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर निकालते तो अभी हमने पढ़ा था कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं वो ज्यादा आसानी से डिसॉल्व होती है, तो अमोनिया शुड बी मोर इजीली डिसॉल्व देन दैट ऑफ एचसीएल व्हिच शुड बी मोर इजीली डिसॉल्व देन हीलियम। और इसका मतलब सबसे ज्यादा इजीली डिसॉल्व इसमें कौन सी है, इसमें सी वॉज, इसके साथ इसको कंपेयर करना है तो इसका मतलब सी हमारे पास अमोनिया, ठीक, बी हमारे पास एचसीएल और ए हमारे पास हीलियम है। तो ये पता चल गया अब हमारे को कि भैया जो सी है वो अमोनिया है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एट अ गिवन प्रेशर, बी एचसीएल है और ए हीलियम है, ऐसे पहचान भी कर सकते हैं। बोलो बच्चे ग्राफिकल स्टडी समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। ओके अब लिखो बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अब इसका न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारे पास इसकी व्हाट यू कैन से ग्राफिकल स्टडी, लॉ समझ में आ गया, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल। तो लिखिए क्वेश्चन जरा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन अपना आपको न्यूमेरिकल की तरह लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक, इसी को लिखवा रहा हूं मैं। लिखो जरा, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वॉटर, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वॉटर एट 293 केल्विन, एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वॉटर, वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वॉटर। Assume that nitrogen exerts a partial pressure. Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. The KH for nitrogen, the KH for nitrogen at 293 Kelvin, the KH for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. देखो बेटे क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सॉल्व कैसे करना है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमें यहां पे पूछा है मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने डिसॉल्व हुए, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने डिसॉल्व हुए, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वॉटर हमें दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वॉटर वो दे रखा है 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, ध्यान में रखना है। इसमें हमने डिसॉल्व करना था नाइट्रोजन, जबकि नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर हमें दे दिया गया है वो है 0.987 bar, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.987 bar, ये पार्शियल प्रेशर है बेटा नाइट्रोजन का। और केएच जो हमें दे दिया गया है, केएच हेनरी लॉ कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इसी से तो हमने पकड़ना है, 76.48 kilobar, ठीक है, 76.48 kilobar यानी प्रेशर वाले यूनिट है,
अगर प्रेशर वाला यूनिट हो तो यही फॉर्मूला लगता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच। तो फॉर्मूला यूज्ड, हमने केएच का यूनिट देखा और उससे फॉर्मूला निकाला, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन शुड बी इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तभी हमारे पास केएच के यूनिट जो होंगे वो इसके बराबर होंगे। अब अगर नाइट्रोजन के मिलीमोल निकालने हैं तो बेटा आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा नाइट्रोजन का। अरे मोल्स तो तभी निकलेंगे अगर मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो आ जाएगा वो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन केएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन केएच। जो पार्शियल प्रेशर है बेटा नाइट्रोजन का वो दिया 0.987 बार, और केएच की वैल्यू भी है किलो बार में, उसको भी बार में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहां 10^3 आ जाएगा बार में, किलो की जगह 10^3 लिख दिया था। इसको सॉल्व कर लिया बच्चे, सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1.29 × 10^-5, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमें ये पता था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होगा, मोल फ्रैक्शन तो यही होता है। अब बेटे क्योंकि मोल फ्रैक्शन आप देखिए बहुत ही कम है, वेरी स्मॉल, 10^-5, वेरी स्मॉल, ये वेरी स्मॉल है, मतलब सोल्यूशन में नाइट्रोजन के मोल्स बहुत ही कम है, सोल्यूशन में नाइट्रोजन के मोल्स बहुत ही कम है। बेटे अगर नाइट्रोजन के मोल्स बहुत कम है सोल्यूशन में तो ये बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल तो कैन बी नेग्लेक्ट, कैन बी निग्लेक्टेड, इसको आप नेग्लेक्ट कर दो। अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल कम आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर। हमें निकालने थे मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। देखो जी मोल फ्रैक्शन तो हमने निकाल लिया पर वाटर के मोल्स कैसे निकाले बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ वाटर अपॉन 18, ठीक है ना, गिवन वेट बाय 18, क्योंकि डेंसिटी प्योर वाटर की डेंसिटी इज ऑलवेज 1 g/ml, इसका मतलब वेट और वॉल्यूम बराबर होता है, क्योंकि डेंसिटी 1 है तो वेट और वॉल्यूम बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर हम निकालेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर हम निकालेंगे तो वेट हम 100,000 g लेके चलेंगे, 1000 ml था, डेंसिटी 1 थी तो वेट और वॉल्यूम बराबर, 1000/18 यानी 55.5। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आए, ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन था 1.29 × 10^-5 और वाटर के मोल 55.5। कर लो बेटा सॉल्व इसको, सॉल्व करोगे तो आएगा 7.16 × 10^-4 मोल्स, 7.16 × 10^-4 मोल। पर क्या आपको मोल्स पूछे थे, मोल पूछे होते थे यही, लेकिन हमसे पूछा था मिली मोल्स, मिली मोल्स यानी इसको मिली में कन्वर्ट करना है, तो 10^3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो मिली में आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब होगा 7.16 × 10^-1 मिलीमोल्स, सिंपल सी बात, 10^3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यार तो मिलीमोल्स का आंसर आ गया आपके पास। चलो तो बेटा देखो इसमें क्या था कि पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का दे रखा था बेटे, केएच दे रखा था, इसको देख के केएच का यूनिट देखा, उससे फॉर्मूला चुना, फॉर्मूला चुनने के बाद हमने देखा कि हमें निकालना क्या था, मिलीमोल्स यानी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय केएच किया, इस फॉर्मूला से पुट किया, ये देखा बहुत ही स्मॉल है तो मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, इसका मतलब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन के बहुत कम है, तो नाइट्रोजन के मोल सॉल्यूशन में से नेग्लेक्ट कर दिए तो हमारे पास ये आ गया।
इससे नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन निकाले ऐसे करके वाटर के मोल अगर वहां 500 मिलीलीटर दिया तो 500 बाय 18 करते, 1000 दिया था 1000 बाय 18 करते क्योंकि डेंसिटी तो 1 ही होना था, यहां से मोल्स निकल गए। बोलो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, यस और नो? यस सर। अब देखो बेटे अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अभी तो हमने मोल्स निकाले, मान लो वेट ऑफ नाइट्रोजन बोला होता, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड ऐसे बोला होता तो भैया मोल्स तो हमने निकाल ही दिए। अगर मोल्स निकाल दिए हैं तो उसको मोलर मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी ये मोल्स आ गए हमारे पास 7.16 इनटू 10 टू पावर माइनस 4 और एक मोलर मास के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी 7.16 इनटू 10 टू पावर माइनस 4 इनटू 28 बेटा ये वेट आ जाएगा नाइट्रोजन का। तो अगर वेट पूछा हो किसी भी गैस का तो बेटा मोल फ्रैक्शन यानी मोल्स के साथ, मोल के साथ उसका मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेट। कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपको वॉल्यूम पूछा हो, अगर वॉल्यूम पूछा हो तो यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन हमने निकाल दिया, टी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, प्रेशर हमें दे रखा है, ठीक है जी, और वॉल्यूम हमें दे रखा है। नहीं भी हो तो सिंपल बात, हम इसको ये जो हमारे पास वेट निकला है ये जो मोल्स निकले हैं ठीक, हमें पता है कि 22.4 लीटर एट एसटीपी वेज इक्वल टू मोलर मास, तो इसको यूज कर सकते हैं कि ये होगा तो 1 लीटर विल वे मोलर मास बाय 22.4 लीटर और जितना हमारे पास मतलब यू कैन से इससे हमें ये पता चल जाएगा मोलर मास ऑक्यूपाइज, यानी उल्टा होगा ना, वेट हमने ऊपर निकाला था, मोलर मास ऑक्यूपाइज, वॉल्यूम तो निकालना है 22.4 लीटर एट एसटीपी, अगर एसटीपी कंडीशन हो 1 विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर बाय मोलर मास और जितना मास यहां निकला वेट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू डब्ल्यू, ये आ जाएगा वॉल्यूम एट एसटीपी। अगर एसटीपी होगा, एसटीपी नहीं होगा तो पी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दें। बोलो बेटे नाइट्रोजन के मिलीमोल कैसे निकालने हैं, मोल्स कैसे निकालने हैं, वेट कैसे निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, क्या हम ये सब कुछ निकाल सकते हैं यहां से? यस सर। तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं बेटा, या तो केएच निकालने को बोल देंगे, या पार्शियल प्रेशर निकालने को बोल देंगे, या मोल फ्रैक्शन निकालने को बोल देंगे, मोल्स निकालने को बोल देंगे। देखो मोल फ्रैक्शन तो हम वैसे भी निकाल सकते, नंबर ऑफ मोल्स बाय गिवन मोल्स बाय टोटल मोल्स, तो कई बार पार्शियल प्रेशर निकालने को बोलेंगे वो निकाल देना, कई बार केएच निकालने को बोलेंगे वो निकाल देना, तो ये हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, कर लोगे बेटा? बोलो साहिद जी, कुछ बोल दिया करो कभी कभी, चरण समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। देखो बेटे अभी तक हमने पढ़ लिया हेनरी लॉ क्या है, अभी तक हमने पढ़ लिया हेनरी लॉ का ग्राफिकल स्टडी कैसा है, हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल स्टडी कैसा है, ठीक। अब आएगा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक, देखो बेटा सबसे पहला तो हमारे पास है पहली एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसकी प्रोडक्शन में ये यूज होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना भाई, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबाउट द सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा प्रेशर से गैस को ऊपर डालेंगे तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व ज्यादा हो जाएगा, ठीक।
ठीक, उससे हमारे पास क्या होगा, हमारा बियर, शैंपेन, पेप्सी, इस सब में फिजी टेस्ट आ जाएगा, ये पहले कर दो। बोलो मुश्किल तो नहीं है ना इसमें। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूबा डाइविंग, इन स्कूबा डाइविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्कूबा डाइविंग होता है डीप सी डाइविंग। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्कूबा डाइवर जो होते हैं दे आर गिवन मिक्सचर ऑफ हीलियम ऑक्सीजन, ठीक। देखो नॉर्मली वी ब्रीद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट स्कूबा डाइवर्स आर गिवन मिक्सचर ऑफ हीलियम ऑक्सीजन एंड समवट नाइट्रोजन फॉर ब्रीदिंग, ठीक है जी। जो उसको सिलेंडर देते हैं ना उसमें बहुत सारी नाइट्रोजन की जगह हीलियम रिप्लेस कर दे। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, क्वेश्चन आता है क्यों कि स्कूबा डाइवर्स को हम ब्रीदिंग क्यों दे, ब्रीदिंग के लिए हीलियम क्यों देते हैं। देखो बेटा मैं तुम्हें ना बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा किसी से भी ना क्वेश्चन का आंसर पूछना प्लीज, मेरे कहने पे किसी से भी, जो किसी और टीचर से पढ़ता उसके टीचर से आंसर पूछवाना। बच्चा तो गलत बताएगा बताएगा, पर मेरे कहने पर ना एक बार ये आंसर जरूर पूछना। तो आंसर क्या मिलेगा मैं तुम्हें बता, तुम्हें आंसर मिलेगा कि जैसे स्कूबा डाइवर डीप सी में जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हमने हीलियम नहीं दिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिया, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। ऑक्सीजन तो हमारा सेल्स यूज कर लेते हैं पर नाइट्रोजन हमारे सेल यूज नहीं करते, तो नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व पड़ रहेगी अनयूज्ड। जैसे स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हुआ तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हुई तो क्या मतलब नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो नाइट्रोजन गैस बन जाएगी और वो ब्लड से बाहर निकलेगी तो उसमें ब्लड में बबल्स बन जाए। अब होगा क्या कि ब्लड की कैपिलरीज के छेद जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उससे नाइट्रोजन बाहर नहीं निकल पाएगी तो ब्लड में नाइट्रोजन की बबलिंग हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते बेंच, क्या बोलते हैं, बेंच या डीकंप्रेशन डिजीज। इट इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन एंड इट कैन बी फेटल आल्सो। इसलिए हम नाइट्रोजन नहीं दे करके उसकी जगह हीलियम ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि एक तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है, एक तो कम डिसॉल्व होगी, दूसरी बात यह भी होती है कि हीलियम के मॉलिक्यूल छोटे हैं, ये ब्लड कैपिलरी से इजीली बाहर आ जाएंगे इसलिए बेंच नहीं होगी। दोबारा से सुन लो, जब स्कूबा डाइवर नीचे जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर पाने का ज्यादा हो गया, जब प्रेशर ज्यादा हो गया तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो बता रहा हूं कि जब स्कूबा डाइवर नीचे जाता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है, गैस डिसॉल्व ज्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों रहेंगी, ऑक्सीजन हमारे सेल यूज कर लेंगे पर नाइट्रोजन हमारे ब्लड में पड़ी रहेगी। जैसे स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा तो उसके ऊपर से प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होते ही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी, तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम होते ही नाइट्रोजन कम्स आउट ऑफ ब्लड और ब्लड कैपिलरीज के होल पोर जो छेद हैं छोटे होंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से बाहर नहीं निकल पाएंगे इसलिए ब्लड में बबलिंग हो जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड एज बेंच और डीकंप्रेशन डिजीज, व्हिच इज वेरी पेनफुल कंडीशन
और कैन बी फेटल। इसलिए हम हीलियम दे देते हैं क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है और दूसरी बात इसके मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, ये ब्लड कैपिलरी से इजीली बाहर आ जाते हैं जिस वजह से बबलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। लेकिन ये सारा गलत है। ठीक, जो भी आंसर देगा आंसर यही मिलेगा, 102% आंसर यही मिलेगा। पूछ लेना कल परसों चौथ जब भी पूछ लेना, किसी मर्जी से यही आंसर मिलेगा। जो भी आंसर देगा ना उसको एक बात बोलना, बोलना जी हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन या उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जब बंदा नीचे जा रहा है तो क्या उसके ऊपर नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ रहा है बेटा ब्लड के ऊपर कि पानी का प्रेशर बढ़ रहा है उसके ऊपर? उसके ऊपर तो पानी का प्रेशर बढ़ रहा है। अरे नाइट्रोजन तो सिलेंडर से आ रही है, सिलेंडर में प्रेशर वॉल्व लगा रहता है तो नाइट्रोजन का प्रेशर तो वही है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर तो बढ़ा ही नहीं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ेगी भाई? तो बार बार एक और उसके ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ गया ना, अरे गधों को बोलना पानी के प्रेशर से तो हेनरी लॉ का लेना देना ही कुछ नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन का प्रेशर अगर बढ़ता तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती, तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ती। अब इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास, आप करके देख लीजिएगा। ठीक, मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी बहुत उसे, करके देख लीजिएगा। कोई भी आंसर देगा तो जो बोलोगे करूंगा, क्योंकि लोगों को सिर्फ किताबें पढ़ के रट्टे मार के पढ़ाना बहुत कम, ऐसा नहीं कि दुनिया में मैं ही हूंगा, नहीं ऐसा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे जो समझ के पढ़ाते। अब मैं तुम्हें इसका एक्चुअल आंसर देता हूं, स्कूल में लिखना नहीं, स्कूल में यही लिखना, स्कूल वालों को यही पता है ना, उन्होंने सोचना, उनसे तुम्हें ये तो डिस्कस कर ही नहीं सकते। कर सकते हो क्या जाके? नहीं कर सकते, तो फिर उनको कुछ पता इसके बारे में है? तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब बंदा नीचे जाता है तो पानी का प्रेशर उसके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा पानी का प्रेशर बढ़ेगा। जब पानी का प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता है तो उसकी बॉडी के ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ने से उसके लंग्स थोड़े डिफ्लेट हो जाते हैं। लंग्स, जब बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा यार, बॉडी थोड़ी डिफ्लेट होगी, लंग्स थोड़े डिफ्लेट हो जाएंगे, उससे लंग्स की थोड़ी वॉल्यूम कम हो जाए। जबकि नाइट्रोजन तो उसी प्रेशर से आ रही थी, वॉल्यूम कम हो गया तो नाइट्रोजन का प्रेशर लंग्स में बढ़ेगा, नाइट्रोजन का प्रेशर लंग्स में बढ़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन, क्योंकि लंग्स की वॉल्यूम कम हो गई है ड्यू टू प्रेशर ऑफ वॉटर। समझ में आई? ठीक, लंग डिफ्लेट होने की वजह से ऐसा हो गया। ठीक, तो हुआ क्या कि लंग्स जो है उसके अंदर डिफ्लेट होने से प्रेशर बढ़ा नाइट्रोजन का, ज्यादा नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गई, आगे की कहानी वही, नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व हो गई, ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो गई, ऑक्सीजन हमारे सेल्स ने यूज कर ली, नाइट्रोजन ब्लड में रही। जैसा बंदा ऊपर जाएगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो उसके लंग्स फिर से इन्फ्लेट होंगे, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा उसके अंदर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कम हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कम होने से मास ऑफ नाइट्रोजन कम होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा मास ऑफ नाइट्रोजन शुड कम आउट, बट नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है बड़े, वो ब्लड कैपिलरी से बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए बेंड्स हो सकता है, डीकंप्रेशन डिजीज हो सकती है। अभी बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये एक्चुअल लॉजिक है लड्डू, ठीक है, और ये पूछ के देख लेना, अगर पहले वाला लॉजिक नहीं दिया जो बोलोगे मैं वो करूंगा, यही लॉजिक देते हैं सब। ठीक, चलिए, तो स्कूबा डाइवर की बात हो गई। तीसरी बात, तीसरी एप्लीकेशन बेटे, जैसे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय ब्लड, जो हमारा ब्लड है वो जो गैस का एक्सचेंज करता है, हम जो ब्रीथ करते हैं इसी के ऊपर तो डिपेंडेंट है।
क्या होता है जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्रेशर ज्यादा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है ब्लड में, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कम होती है क्योंकि ब्लड तो गंदा लेके आती है ना बेटा, लंग्स में गंदा ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होने से उसमें ऑक्सीजन चले जाएगी, और उसके अंदर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हमारी जो एयर हमने ली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर एयर पे ज्यादा हो जाता है जो लंग्स की एयर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एयर में आ जाती है और ऑक्सीजन ब्लड में चले जाती है। अब यहां से ब्लड गया सेल्स की तरफ, सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन कम है, तो जब ब्लड उसके ऊपर आया तो ब्लड में अभी ऑक्सीजन ज्यादा थी, तो सेल सैप के ऊपर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ऑक्सीजन सेल सैप के अंदर, और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ब्लड में ज्यादा हो, ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गई, ऑक्सीजन सेल के अंदर गई, अब वो ब्लड गंदा हो गया फिर से लंग्स में आएगा, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, लंग्स में हमने क्या लिया हुआ है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो ऐसे जो गैस का एक्सचेंज है हमारा दैट इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, दैट इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। ठीक है बच्चे, इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं। हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गया? सर रिपीट कर दो एक बार। देखो बेटे, हम जब सांस लेते हैं तो सांस में हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, ज्यादा ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेते, तो लंग्स में जो ब्लड आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये लंग्स में ब्लड आ गया, ये कैपिलरीज है जो लंग्स में आई, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके ऊपर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अंदर चले गई और इस वाली एयर पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में घुल गई, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ऑक्सीजन अंदर, अब यहां से सेल के अंदर चली गई, ये लंग्स में था अब ये सेल में चला गया, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और इसके ऊपर जो ब्लड आया ठीक उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यहां, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा है, ऑक्सीजन का प्रेशर सेल सैप के ऊपर ज्यादा है, ऑक्सीजन सेल सैप में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, तो ब्लड गंदा हो गया, यहां से फिर वहां पास होगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं अभी? यस सर। ओके, अगली एप्लीकेशन देखिएगा। अगली एप्लीकेशन ये बोल देते हैं कि एक्वेटिक स्पीशीज जो होती है, एक्वेटिक स्पीशीज लिव्स मोर कंफर्टेबली इन कोल्ड वाटर, कंफर्टेबली इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में ज्यादा आसानी से वो रहती है देन दैट ऑफ। अब एक्चुअली हेनरी लॉ की एप्लीकेशन नहीं, बुक्स लिखती हैं बट एक्चुअली हेनरी लॉ की एप्लीकेशन नहीं है, टेम्परेचर की एप्लीकेशन है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो बेटा होता क्या, टेम्परेचर ज्यादा होने से जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होने से ऑक्सीजन कम होगी, तो ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन कम मिलेगी तो सांस लेना मुश्किल, कोल्ड वाटर होगा सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होगी, तो इन कोल्ड कंडीशंस डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मोर ठीक, तो आसानी से बेटा वो ले ले, और अगर बेटा हॉट वाटर हुआ तो डीओ इज लेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होती है। इसी तरह से अस्थमा पेशेंट को हम हीलियम ऑक्सीजन का मिक्सचर देते हैं, सेम बात, उससे प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर डिजॉल्व होगी। ठीक बेटा, जब बंदा मरने वाला होता है उसको जो ऑक्सीजन लगती है, जैसे आजकल ऑक्सीजन लग रही है, कार्बोजन दी जाती है, कार्बोजन इज गिवन फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग है बेटे उसके लिए कार्बोजन दी जाती है, कार्बोजन इज गिवन फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, कार्बोजन होता है 5% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 95% ऑक्सीजन, तो भैया प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं दे देते, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन अगर दी तो बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व बहुत ज्यादा होगी,
अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व बहुत ज्यादा हुई तो ब्लड के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा बेटा, प्रेशर अगर बढ़ गया तो ब्लड कैपिलरीज फट सकती है। समझ में आ गया? इस वजह से हम प्योर ऑक्सीजन नहीं देते। प्योर ऑक्सीजन दिया तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होने से ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, ब्लड के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड कैपिलरीज फट सकती है, बंदा मर सकता है, इसलिए प्योर ऑक्सीजन नहीं देते। मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन देते हैं कार्बोजन, ताकि पार्शियल प्रेशर थोड़ा ऑक्सीजन का कम रहे, ऑक्सीजन थोड़ी कम डिसॉल्व हो, ठीक, ताकि कम से कम कैपिलरी फटे नहीं। तो बेटा बोलो सारी एप्लीकेशन समझ में आ गई, बैंड्स वाली तो खास करके बोलो सारी समझ में आ गई कि नहीं, यस और नो करो फटाफट। जल्दी बोलो यार। लास्ट आएगा लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशंस के बाद लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की लिमिटेशन, मेरे प्यारे बच्चों, हेनरी लॉ की लिमिटेशन नंबर वन, नंबर वन, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए यार। अगर प्रेशर बहुत हाई हुआ तो बेटा लिक्विड भी क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो वहां हम ये नहीं लगाएंगे, प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी लो, प्रेशर बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ना हो भी प्रेशर लगाए बहुत कम तो गैस डिसॉल्व भी ना हो, तो इंटरमीडिएट प्रेशर होना चाहिए, इंटरमीडिएट प्रेशर होना चाहिए, इंटरमीडिएट प्रेशर होना चाहिए। अगली बात, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी शुड नॉट बी वेरी लो, बेटा सॉल्युबिलिटी बहुत लो नहीं होनी चाहिए, ये ना हो भी डिसॉल्व भी ना होती हो तो हेनरी लॉ नहीं लगता। एंड सॉल्युबिलिटी शुड नॉट बी वेरी हाई, अरे बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ही प्रेशर लगाया सारी डिसॉल्व हो गई, तो इंटरमीडिएट सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, ना प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ना सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, इंटरमीडिएट सॉल्युबिलिटी, इंटरमीडिएट प्रेशर। पर ये खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, खास इंपॉर्टेंट बात है गैस शुड नॉट केमिकली रिएक्ट, गैस शुड नॉट केमिकली रिएक्ट, केमिकली रिएक्ट, अगर बेटे गैस केमिकली रिएक्ट ही हो गई तो फिर प्रेशर का रोल ही नहीं है कुछ। मान लो आपने क्या किया, H2SO4 के ऊपर से अमोनिया को पास करवा दिया, अब भैया ये एसिड, ये गैस बेस, एसिड बेस तो रिएक्ट कर जाएंगे तो इसमें प्रेशर की जरूरत ही नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गैस शुड नॉट केमिकली रिएक्ट, गैस केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। बोलो बेटे लिमिटेशन समझ में आ गई हेनरी लॉ की? जल्दी बोला करो जल्दी बेटा। यस सर। पार्ट, हाँ जी बेटा बोलो। यस सर। लास्ट पार्ट बेटे, बेटे लास्ट पार्ट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट फैक्टर था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑब्वियसली बेटा इस पे क्वेश्चन लगाते हैं कि अमोनिया व्हेन पास्ड थ्रू वाटर, पास थ्रू वॉटर, नो बबलिंग इज सीन, नो बबलिंग इज सीन, वेर एज वेन फॉस्फीन इज पास्ड वी सी बबलिंग वाई, ठीक है जी, अमोनिया को पास करें ना बबलिंग वाटर से तो कोई बबलिंग नहीं होती, फॉस्फीन को पास करें तो बबल बनते क्यों? बेटा अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, अमोनिया कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, और क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी बच्चे,
इस वजह से वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, ये हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, और यहां पे इसके साथ, तो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वॉटर। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से अमोनिया डिसॉल्व हो जाएगी, जबकि फॉस्फीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती तो डिसॉल्व नहीं होगी, उसके बबल्स रह जाएंगे। तो जब भी अमोनिया को, यानी जो गैसेस हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है बेटे, वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। तो अमोनिया कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली, इट डिसॉल्व इन वॉटर, इसलिए बबल ही नहीं बनते इसके। फॉस्फीन जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती, इट विल नॉट डिसॉल्व इन वॉटर, सो बबलिंग विल बी सीन। तो जिन गैसेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इजिली बेटे डिसॉल्व हो जाती है। सो ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। होपफुली सारा कुछ समझ में आया होगा बेटे आज। ठीक, एक एक चीज मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस देखते कैसे हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या, सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट क्या, किन किन फैक्टर्स पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करके, नेचर कैसे देखते हैं, टेम्परेचर कैसे देखते हैं, प्रेशर कैसे देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे देखते हैं। सो दिस वॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।